मैम कहाँ जाना है आपको? कनॉट प्लेस? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम ये इसको गुड़गांव छोड़ के आ गए। ये क्या था? ये क्या था? उनका मतलब डालने का ये था समझे, और वो गलती से नहीं बैरिकेड लगा रहेगा तो किधर से जाऊंगा। नहीं नहीं तो ऐसे तो मैं कंप्लेंट भी डाल दूंगी उसमें, क्या ये तो गलत है ना। मैम डाल दीजिए। तो मैं कहां लिया आपने? आपने बिल्कुल टर्न गलत लिया उस टाइम पे, और आपने बाद में बोला बैरिकेडिंग लगी है उसमें, तो पहले ही बैरिकेडिंग थी, आप उसी रास्ते से घूम के आए दोबारा। नहीं आपने क्या देखा नहीं है ये जो लड़कियां होती है, अगर थोड़ा सा अगर 19-20 हम कर दिए इधर उधर अगर चले गए तो मतलब इतना ज्यादा बकवास करेगी। 1 किलोमीटर एक जगह। सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के एक न्यू वीडियो के अंदर में, और जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था आप लोगों ने बहुत जज्बा दिखाया, और कल जो आप लोग किए हो ना बहुत मज़ा आया यार। मतलब इसी तरह हमको प्यार देते रहो। तो गाइस आप लोग को पता है कि मैं किस तरह के वीडियो बनाता हूँ, और अभी हम लेके जाने वाले हैं गाड़ी, ठीक है, और आज कस्टमर के साथ कुछ ऐसी तैसी करने वाले हैं, ठीक है। और अभी मैं बता दूँ तो देख सकते हो यहाँ पे मेरी धनु रानी खड़ी है, ठीक है। और चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं रूम से, और वहाँ से निकलने के बाद अब मेरा मन में कुछ कुछ सूझ रहा है कि कस्टमर के साथ आज कुछ तो कुछ करना है, ठीक है। तो करना क्या है, लड़की लोग ना गाइस गाड़ी में बैठते ही एक ही डायलॉग होता है कि भाई एसी चालू कर लो, और आज हुई है बारिश तो मुझे एसी चालू नहीं करनी है, बोलूंगा कि एसी नहीं चालू करूंगा, कुछ भी, डर भी रहता कि गाड़ी ब्लॉक ना कर दे, फिर भी मतलब अभी ठंडा मौसम है तो एसी नहीं चालू करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्यूटी ऑन करते हैं, देखते हैं ड्यूटी कहाँ की बचती है, ठीक है। देख सकते हो हमने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया हूँ, कस्टमर से देखते रहना किस तरह आ गई बुकिंग। ये बहादुरगढ़ की है तो यहाँ पे अभी हम नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। बहादुरगढ़ यानी हरियाणा में है, और हम हरियाणा इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद दिल्ली की बुकिंग नहीं मिलती है, और वहाँ पे उतना काम है नहीं, तो इसीलिए हम वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। गई मेरा बुकिंग, देख सकते हो। चलो यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। और गाइज ये यहीं पे सामने में है, और देखता हूँ कितना दूरी पे है, तो मैंने नेविगेशन को क्लिक कर लिया हूँ, और ये 3 मिनट लगेंगे जाने में, 1.6 किलोमीटर यानी कि 3 मिनट लगेंगे, 1.5 किलोमीटर है, 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इनसे अभी हम कॉल कर लेता हूँ, और कॉल करके पूछ लेता हूँ कि भाई आपको कहाँ जानी है, ठीक है। चलिए कस्टमर का ही फ़ोन आया, देख सकते हो, तो मैं इसको अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो हेलो, सुन पा रहा सर? हेलो, सुन पा रहा सर? हाँ, कहाँ पे भैया? ये नजफगढ़ के सामने हूँ, आपको कहाँ जाना है? नजफगढ़ से किधर से आ रहे हो? ये मैं नजफगढ़ में ही हूँ, नजफगढ़ में ही हूँ, मतलब ये थोड़ा सा आगे हूँ। नजफगढ़ से जब आओगे ना, हाँ, तो ये जैसे ही दिचाउट बस डिपो है, हाँ, दिचाउट बस डिपो का गेट पुलिया है, हाँ, मेन रोड पे पुलिया क्रॉस करते लेफ्ट में लगा देना, देखना कोने पे होटल होगा, होटल क्रॉस करते लेफ्ट में लगा देना भैया। ठीक है भाई, ठीक है, वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है, 2-3 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तो कस्टमर से बात हो गई है, चलो दिचाऊ बस स्टैंड जाना है मेरे को। यूटर्न, यूटर्न लेने के लिए बोल रहा है, बे भाई रुक जा। तो जल्दी से उनका नेविगेशन में पहुंचता हूं। तो गाइस जिन्होंने मेरे को फोन किया था वो नहीं जाएंगे, उनकी कोई हस्बैंड बहन वगैरह कुछ होगी वो जाएंगे, तो भी मजा आने वाला है।
किधर से जाना है? इधर से निकलते हैं, इधर से तो लंबा पड़ेगा नांगलोई होते हुए। मैं आपको बताती हूँ, आप गूगल रहने दीजिए। अभी आगे कट आएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग उस बुकिंग को कंप्लीट कर दिए। उसमें मस्ती नहीं कर पाए क्योंकि उतना बात नहीं कर रही थी, और जो बात नहीं करेगी ना गाइस तो उसमें जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइस अभी मेरे पास रेंटल बुकिंग आ चुकी है 4 घंटा के लिए, उनके पास गाड़ी बुकिंग रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या इस दिन होता है। कस्टमर आगे वेट कर रहे हैं हमारा, यही गली है शायद से। तो गाइस काफ़ी देर हो चुकी है और अभी कस्टमर हमारे पास आया है, मतलब गाड़ी लेकर, और बोला मेरे को पीछे पीछे आने के लिए, ठीक है। और ये रही उनकी गाड़ी, ये HR05BF कुछ है, ये गाड़ी है। इनके पीछे मैं लगाता हूँ गाड़ी, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ क्या बोलते, गाड़ी से उतर के आ रहे हैं अभी। मैं एक बोतल पानी खरीद लेता हूँ, पानी प्यास लगा मेरे को। तो गाइस मैंने यहाँ पे पानी बोतल खरीद लिया हूँ, एक बोतल। पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी संभालते हैं। जॉब करता ही नहीं तो ये पापा का काम करता है। वही नहीं, पापा की हेल्प कर रहा हूँ, उनका काम कभी एक दो बारी चाहिए होती तो क्या होगा। अच्छी बात है। बस तो मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हूँ शिमला में। शिमला में? हाँ जी, हॉस्टल में। अभी आया हुआ हूँ। मेरा गांव में आज 27-28 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कितने दिन से बारिश हो रही है? बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है। 1 बजे शुरू होती है, रात भर बारिश होती है, कई दिन तो 10 बजे सुबह। लोगों को सही लग रहा है कि गंदा ही लग रहा है? क्यों सही है भाई, वो सही लग रहा है ना, ठंड है कि वरना तो गर्मी रहती है। हाँ, वहाँ पे 20-25 या 26 का डिग्री है। अगर शिमला में लोग रोना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वहाँ ठंड तो वैसे ही होती है। वहाँ गर्मी में 25 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, उस वक्त बारिश। और शिमला में क्या होता है ना, बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, बारिश तो गिरती नहीं, पानी गिरता है। और एक चीज है, देखिए दिल्ली में आज 5.5-6 महीना के बाद आज बारिश देखा। अच्छा, तो दिल्ली फिर कहाँ आई भैया, बंदा पसीने से दर्द हो रहा है। तो झारखंड से कह रहे थे भाई, मैं कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में गाड़ी चला चुका हूँ। अच्छा, हर स्टेट। आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? मेरा उम्र हो गया अभी 23। अच्छा, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो अपना 16 साल की उम्र से। अच्छा, close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। हम लोग हरियाणा से दिल्ली एंटर कर रहे हैं,
और हम लोग का कमर्शियल गाड़ी है तो यहाँ पे 100 रुपया का एंट्री लगता है, दिल्ली में एंटर करने के लिए 100 रुपया लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा, दिल्ली में 6-7 महीना के बाद आज बारिश हो रही है। तो फाइनली गाइस बारिश अभी अभी कम हुई है और हम जो हमारे साथ जो भाई साहब थे इनको यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, ड्रॉप कर दिया हूँ। तो इनका 1500 कुछ रुपये का बिल आया था, 1560 रुपये का, ठीक है। तो मैंने वो इनसे कैश कलेक्ट कर लिया हूँ, अब नेक्स्ट बुकिंग है, नेक्स्ट बुकिंग चलाऊँगा और देखूँगा क्या ये सीन होता है। तो देख सकते हो हमारे मेरे को यहाँ पे कस्टमर, हेलो मैम, कहाँ जाना आपको? कनॉट प्लेस। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर से इनको कॉल कर लेता हूँ एक बार। हेलो। हेलो हाँ जी मैम, आ गए आपके लोकेशन पे। हेलो भैया, आ गए? हाँ जी। अच्छा बाहर खड़े हो आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ओके आ जाओ, यहाँ से इधर ही से आ जा। ये 256 कैसे दिखा रहा है? कितना था? मेरा तो 180 दिखाया था और मैंने स्क्रीनशॉट भी खींचा। स्क्रीनशॉट है तो कितना? अभी कितना गया? 184। अभी 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 क्योंकि आपने गलत रास्ता लिया था ना मैम, बैरिकेड लगा रहेगा तो किधर से जाएंगे? हां तो ऐसे थोड़ी ये तो गलत है ना, इसीलिए मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया था। नहीं नहीं, बैरिकेड लगा रहेगा तो किधर से जाऊंगा? नहीं नहीं, तो ऐसे तो मैं कंप्लेंट भी डाल दूंगी उसमें, क्या ये तो गलत है ना? नहीं मैम डाल दीजिए। वो तो मैं डालूंगी, 184 जब मुझे दिखा रहा था मैं तो कोई दिक्कत नहीं मैम, डाल दीजिए। 184 ही दूंगी मैं, स्कैन दिखाओ। 184 नहीं, 256। भैया आप गलत रास्ते लोगे तो हम आपके लिए पे करेंगे क्या? गलत रास्ता मैं कहाँ लिया? आपने बिल्कुल टर्न गलत लिया उस टाइम पे और आपने बाद में बोले बैरिकेडिंग लगी हो, उसमें तो पहले ही बैरिकेडिंग थी, आप उसी रास्ते से घूम के आए दोबारा। नहीं हमने क्या देखा? नहीं है आप देखे तो फिर बताए क्यों नहीं? बिल्कुल बोला हमने उस टाइम, आप गलत ले रहे हो भैया। नहीं हमने उसी टाइम दोनों ने देखे, ये भी हम जो रोड लेकर आए ना आपको, ये भी 1 किलोमीटर घूम के ही आया हूं। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ 184 का तो आप 256 आपका इतना बिल आया मैम, आपको इतना पे करना होगा। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। हाँ कंप्लेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल करूंगी, जब 184 आया तो 256 कैसे, और मैं 184 ही दूंगी जब मेरे पास 184 आया। अभी अभी कितना गया? अभी देखिए अभी नहीं आया, मेरे पास उसी का ही लगा हुआ है। अभी ऊबर में देखिए चेक करके। तो गाइस देख सकते हो ये जो लौंडियां होती है, जो लड़कियां होती है, अगर थोड़ा सा अगर 19-20 हम कर दिए इधर उधर अगर चले गए तो मतलब इतना ज़्यादा बकवास करेगी। 1 किलोमीटर एक जगह पे हम आ रहे थे वहाँ पे बैरिकेड लगाया हुआ था, ठीक है। अब बैरिकेड लगा होने के कारण अब आदमी करेगा तो करेगा क्या, हम थोड़ा सा घूम के आ गए, ठीक है। उसके बाद पता नहीं उसको कितना दिखा रहा था, अभी फिर उनका कुछ बढ़ गया तो मना कर रही कि नहीं दूंगी। मैंने बोला कि देना पड़ेगा वरना अपना पावर हम दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट बुकिंग के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल कनॉट प्लेस में यहाँ थोड़ा आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे सिटी में हो और देख सकते हो हमारी रानी यहाँ पे है, और हम वहाँ से जब बुकिंग लेकर आए तो
मतलब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा बोल रही थी, तो हमको लगा कि यार चलो यहाँ पे थोड़ा मतलब वीडियो बना लेता हूँ और आप लोग को शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये जो जगह है सिटी, यहाँ पे सब अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या दोस्त भाई बहन जितना भी फैमिली मेम्बर होते हैं यहाँ पे घुमाने के लिए लाते हैं, ठीक है। पर बैक कैमरा करके आप लोगों को हम थोड़ा दिखा देंगे। तो ये देखिए, यह सीपी का मार्केट, यहाँ पे ये 10 किलोमीटर तक इसी तरह गोल गोल ये घर बना हुआ है और यहाँ पे सब अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, ये लेके जा रहा है एक, और सब अपना अपना मतलब इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं जितना भी मतलब ये। और अभी रोड में आप लोग को भी दिख जाता है, यहाँ पे बहुत सारा था, वहाँ का सब बहुत सारा था, लेकिन अभी बारिश हो मतलब हो रही है, इसी के कारण सब साइड साइड में हट गए, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ फिर ऐसे ही वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।